वालेकुम व्यूवर्स ड्रामा सीरियल कफारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब महरीन सितारा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करती है तो ये सुनकर सलार को बहुत गु़स्सा आता है और साथ ही उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ सितारा के लिए ये बात कर भी कैसे सकती हैं जबकि वो जानती हैं कि सलार तारा से कितनी मोहब्बत करता है तो सलार अपनी माँ से ये बात करके घर से निकल जाता है कि मम अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो दुआ कीजिएगा कि इस को कुछ ना हो वरना अगर उससे कुछ हुआ तो आप अपने बेटे को भी खो देंगी ये सुनकर उसके मम डैड परेशान हो जाते हैं कि सलार ने यह बात की है दूसरी तरफ नजमा नीमी से कहते हैं कि कल तुम्हारा निकाह है कासिम से वो लोग आएंगे और निकाह करके तुम्हें ले जाएंगे साथ तुम्हारा जो ज़रूरी सामान है पैक कर लेना तो निमियाँ सुनकर कहते हैं अमिया आप ये क्या कह रही हैं मैं आपकी बेटी हूँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं आप मेरी बात तो सुने आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था तो नजमा कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी हमारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर पूछती हो क्या कसूर है तुम्हारा शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए और उसने तुम्हारे कहने पर रिश्ता भेज दिया तुम्हारा कसूर भी कोई नहीं है तुमने देखा था अपने भाई को कितना गुस्सा कर पता नहीं मेरी कौन सी गलती किसा मुझे तुम्हारी सूरत पर मिली है मैंने तो उसारा के किरदार पर बातें की थी लेकिन मेरी तो अपनी बेटी मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ रही तो अम्मी कहती है मैं मेरा यकीन करें कासिम झूठ बोल रहा है मैंने उसे कोई पिक्चर्स नहीं भेजी मैं तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती तो उसे पसंद क्यों करूँगी तो नजमा कहती है मैं जानती हूँ तो मुझे आज तक कितने झूठ बोलती आई हो वो तो मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालती आई हूँ और कहती रही हूँ सबसे कि मेरी बेटी तो बहुत मासूम है वो तो कुछ भी नहीं ऐसा कर सकती लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा करो निमी तो अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है कि उसकी माँ ये सब क्यों कह रही हैं कासिम ने जो जाल बिछाया है नम्मी के लिए उसके बाद कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर ने कभी सोचा नहीं था कि सलार ऐसा करेगा वो भी सतारा के लिए जब सलार वहाँ आता है तो उसके डैड कहते हैं सलार ये सब तुम क्यों कर रहे हो तो सलार कहता है डैड सतारा के इंसल्ट मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा सतारा मेरी बीवी और मैं आप लोगों के झुकने नहीं दूंगा तो ताहिर सिकंदर कहते हैं फिर अपने ऑफिस में आकर काम कर लो तो सलार कहता है आप जानते हैं मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आपके बिजनेस के जरिए मैं अपनी बीवी को खाना खिलाऊंगा मैं उसके लिए खुद से कुछ करना चाहता हूँ मोम ने ताना देकर मेरी आंखें खोल दी वरना मैं तो गलत फहमी में था कि आपका सब कुछ मेरा है लेकिन मोम ने गलत फहमी दूर कर दी है ये कहकर सलार वहाँ से निकल जाता है इसके बाद महरी जाती है अपनी माँ की घर सारा से बात करने के लिए उर्से कहती है सलार को तुम समझाओ कि वापस घर आ जाए लोगों के सामने झुकने से बेहतर अपने डैड के बिजनेस में हेल्प करे और पूरी जिंदगी बैठ कर स्तारा को ये सुनकर हंसिया जाती है और वो कहती है ये आपकी सोच है वो अपने घुटनों पर बैठ के लोगों के सामने झुक नहीं रहा बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है अपने आप को मजबूत कर रहा है उसे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपके ताने सुनने से उसके लिए यही बेहतर है महरीन को सितारा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद नई वीडियोज़ बसानी आपको मिल सकें तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़